13 প্রতাপগড় কেন্দ্র বিজেপি প্রার্থী রেবতী মোহন দাসের সমর্থনে আয়োজিত সভায় মঙ্গলবার উপস্থিত ছিলেন আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। সারা রাজ্যে বিজেপির সমর্থনে যে জন উচ্ছ্বাস দেখা যাচ্ছে তাতে 23 বিজেপি সরকার ত্রিপুরার প্রতিষ্ঠা হবে বলেই সভায় বক্তব্য জানান হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। वैसे आज 3 जनसभा को संबोधन किया हो, सुबह में सुरमा गया था, युवराज नगर गया था और हर जगह में बीजेपी के लिए उत्साह उमंग देखा और अभी आप लोग का बीच में भी आके इतना बड़ा जनता को सामने देख के मेरा तो ये मन में एक पक्का हो गया है कि अगली सरकार बीजेपी बनाएगा बनाएगा बनाएगा, उसमें कोई और संदेह नहीं है। भाइयों और बहनों, मैं जब त्रिपुरा में आए थे 2018 सन में, मैं असम का मुख्यमंत्री नहीं था। 2017 सन में हमारा पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह जी ने मुझको बोला था कि तुम त्रिपुरा में जाओ, त्रिपुरा में चुनाव प्रभारी का काम करो। एक साल मैं त्रिपुरा का कार्यकर्ता का साथ काम किया था। वो समय जब भी मैं त्रिपुरा आते थे तो मैं देखता था कि त्रिपुरा में सीपीएम का क्या संतरास था। দলের এই সভায় উপস্থিত ছিলেন রেবতী মোহন দাস এবং অন্যান্য বিজেপি কর্মকর্তারাও। রাজ্যের বাম কংগ্রেস দলকেও তীব্র আক্রমণ করেন হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। জানান, যেসব মৌলিক সুবিধা তাদের সময় মানুষ পেত না, তাই বিজেপির আমলে পাচ্ছে প্রান্তিক জনতা। হর ব্যক্তি কো মহিনা 5 কেজি চাউল বিনা পয়সা হর মহিনা দেতা হে, ভারত কা 80 কোর জনতা কো দেতা হে। सीपीएम तो 25 साल राज किया, गरीब के लिए उन्होंने क्या किया? गरीब के लिए उन्होंने कभी कोई एक भी स्कीम किया होगा? जो स्कीम गरीब को मिला होगा, तब तक गरीब को स्कीम नहीं मिलता था जब तक सीपीएम का मिसिल में वो नहीं जाता था। सीपीएम पार्टी का जब शासन था वो केदार का शासन था, जनता का शासन नहीं था। थाना में भी जाना है तो सीपीएम को नमस्कार करो, कोई सरकारी स्कीम चाहिए तब भी आपको सीपीएम में जाना पड़ता था। मेरा याद है कि सीपीएम हमारे गरीब लोगों के लिए 700 रुपया सामाजिक भत्ता का काम किया था। वो 25 साल का अनुभव था, 25 साल में सामाजिक भत्ता मासिक 700 रुपया तक लेके गया था। लेकिन हमारे बीजेपी सरकार खाली 5 साल में सामाजिक भत्ता 700 रुपया का जगह में 2000 रुपया तक लेके गया। अभी अभी मैं कॉलेज से आया हूँ, वीर विक्रम मानिक का कॉलेज में थोड़े देर में रहा था वहां में, तो मेरा याद हुआ कि कॉलेज में स्कूल में कभी कभी लोगों को डबल प्रमोशन तो मिल जाते हैं, लेकिन हमारे सरकार 700 रुपया सामाजिक भत्ता 1600 नहीं किया, डायरेक्टली 2000 किया, ट्रिपल प्रमोशन हम लोग को मिल चुका है। ये विजय संकल्प सभा प्रचुर परिमाण महिला भोटारे उपस्थिति सभा के अन्य मात्रा दे। ब्यूरो रिपोर्ट, आर ए न्यूज।